हम लोग ठाकुर प्रताप के यहाँ से आए हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, वोट ठाकुर साहब को देना है, ठीक है? सलाम। प्रणाम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ठाकुर साहब को देखना है। जी सर, जी सर, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये लीजिए ठाकुर साहब की तरफ से, ये भी लीजिए। इस बार वोट ठाकुर साहब को देना है, ठीक है? प्रणाम। प्रणाम। क्या नाम है आपका? ललित तिग्गा। भैया मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे क्यों रहते हैं, क्या तकलीफ है आप लोगों को यहाँ? अच्छा, आप लोग चिंता मत कीजिए, कुछ व्यवस्था बनाते हैं उसका। जैसा कि आप देख सकते हैं, कबीर ठाकुर प्रताप को 1000 वोटों से हरा दिए हैं। उनके दोस्तों और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है, तो आइए उनसे बातें करते हैं। कबीर जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो जीत है वो मेरी जीत नहीं है, और मैं कोशिश करूंगा कि जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है उनके मैं सपनों को पूरा कर सकूं। मैं जी जान से उनकी सेवा करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आप लोगों ने कबीर जी ने क्या कहा? जीत गया भाई, जीत गया हमारा कबीर, जीत गया भाई, जीत गया हमारा कबीर, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया हमारा कबीर, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। बाबूजी, माई, प्रीति, आज मैं चुनाव जीता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग भी इस खुशी में शामिल हो। आओ ना माई, आओ।
बाबूजी। मैं एक मामूली लड़के से चुनाव हार गया, ये मेरे लिए जीते जी मरने के समान है। और तुम लोग, तुम लोगों ने क्या किया हा? क्या इसी दिन रात के लिए तुम लोगों को खिलाए पिलाए हा? बोलो। अब क्या बताएं ठाकुर साहब, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की, लोगों ने हमारा मुर्गा खाया, दारू पिया और तो और पैसे भी लिए, और वोट उस कबीर को दे दिया। वोट उस कबीर को दे दिया? जाओ तुम लोग यहां से। चुनाव तो हार गया मैं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं उसे। हर डिपार्टमेंट में मेरे आदमी हैं। इतना तंग करूंगा उसे, इतना तंग करूंगा, वो खुद ही अपने आप चला जाएगा, खुद ही चला जाएगा, चला जाएगा यहां से, चला जाएगा। आपका अभी दो चार दिन लगेगा। अभी नहीं आया। नहीं बना है? अभी नहीं, दो चार दिन बाद। अच्छा अच्छा ठीक है। प्रणाम साहब। हाँ चाचा, क्या समस्या है आपकी? साहब मेरा राशन कार्ड बनवा दीजिएगा। साहब बन जाएगा राशन कार्ड, पैसा लगेगा? पैसा तो नहीं है साहब मेरे पास। बिना पैसे के राशन कार्ड कैसे बनेगा चाचा? लेकिन सरकार तो फ्री में राशन कार्ड बना के दे रहा है साहब। देख रहे हैं गुप्ता जी, सही तो बोल रहे हैं चाचा, पैसा तो देना पड़ेगा। राशन कार्ड बनने के बाद राशन मुफ्त में पाइएगा ना आप? जी। तो भी राशन कार्ड के लिए पैसा देने में ना नहीं याद आ रहा आपका? मेरे पास पैसा तो नहीं है साहब। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा धोती रख लीजिए साहब, लेकिन मेरा राशन कार्ड बनवा दीजिए। धोती रख लीजिए ना, लेकिन मेरा राशन कार्ड वापस पहनिए। बिना पैसे के राशन कार्ड नहीं बनेगा। मेरा राशन कार्ड बनवा दीजिए, मैं धोती रख दिया हूँ साहब। चलो यार, चलो यार, देखता हूँ मैं तुम्हारा राशन कार्ड कैसे बनता है। आप जैसे लोगों की मेरे को जरूरत भी नहीं है। कबीर साहब के पास जाता हूं, वो मेरी मदद करेंगे। कहिए तिवारी जी, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? सर ये जो आप कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अगर नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। लोग नेता बनते हैं पैसा बनाने के लिए, बाकी दुनियादारी के लिए बहुत सारे लोग हैं। ये ईमानदारी का पाठ आप किसी और को पढ़ाइएगा। तिवारी जी, लगता है पहली बार आपका पाला किसी अच्छे आदमी से पड़ा है। मैं अपने गांव और समाज के लोगों को बोल के आया हूं कि पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और एक भी अन्याय अपने सामने नहीं होने दूंगा। मेरे रहते ये संभव नहीं है। ये काम आपका नहीं है सर। एक आपके अकेले ईमानदार हो जाने से देश का विकास नहीं होगा। किस किस से लड़िएगा? इससे बेहतर है खुद भी खाइए और हमें भी खाने दीजिए। तिवारी जी, जब तक मैं यहाँ हूँ यह संभव नहीं है। जाइए आप। तरस आता है मुझे आप पर और आपकी सोच पर। जाइए।
क्या हाल है दिनू भैया? बढ़िया। प्रणाम। प्रणाम। क्या समस्या है आपकी? हमारी लड़की बड़ी हो गई है। अच्छा, तो शादी करवाना है तो मदद चाहिए। अच्छा, अरे दिनू भैया, आपकी जो गुड़िया है ना, अभी बहुत छोटी है, इसको पढ़ाइए लिखाइए, कुछ लाइक बनाइए। ये जो बेटी होती है ना, ये बोझ नहीं होती है दिनू भाई, लक्ष्मी होती है घर की। क्या करना चाहती हो बेटा? पढ़ना। पढ़ना, वाह बहुत बढ़िया। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। वाह खलील भाई। जी जी, बुढ़िया डॉक्टर बनना चाहती है। दीनू भाई, इसके पढ़ाई लिखाई के लिए अगर आपको कोई मदद चाहिए ना, तो मुझे बताइएगा। जब गुड़िया डॉक्टर बन जाएगी, तब इसकी धूमधाम से शादी करेंगे, ठीक ना? हाँ ठीक है, तब हमको मदद चाहिए। बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा, ठीक ना? हाँ। प्रणाम। प्रणाम। चलो खलील भाई, चलिए। कैसे हैं कबीर बाबू, बैठ जाएं क्या? चलिए बैठ ही जाते हैं, बैठ के बात करने से सब कुछ अच्छे से हो जाता है। कौन है आप और आपको अंदर किसने आने दिया? बहुत अच्छा सवाल किए हैं आप। 4 साल से इस कुर्सी पर एक ही आदमी को देख देख के बोर हो गया था, अब आप आ गए हैं तो बहुत मजा आएगा। वैसे यहाँ सब मुझे जानते हैं आपको छोड़ के। पवन नाम है मेरा। काम क्या है ये बताइए। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया था, पर याद रखिएगा बस मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। क्या है ये, उठाइए इसको, और दोबारा ना मुझे आप दिखाई मत दीजिएगा। मेरे से पहले यहाँ क्या होता था ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे रहते ना ऐसा संभव नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा था। खड़े होइए, जाते हैं कि नहीं आप यहाँ से? जा रहे हैं, जा रहे हैं, पर इतनी गर्मी ना ठीक नहीं है कबीर बाबू। यहाँ चारों ओर मेरे आदमी फैले हुए हैं, जीना मुश्किल कर देंगे आपका। चलिए जाइए यहाँ से, उठिए। जा रहे हैं। जाइए आप यहाँ से। चलाइए, मैं जा रहा हूँ। दोबारा दिखाई मत दीजिएगा। हर तरफ भ्रष्टाचार करप्शन फैला हुआ है, ऐसे में कोई आदमी कैसे काम कर सकता है? कैसे कोई आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है जो हम पे विश्वास करते हैं? अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। अरे इतना टेंशन में क्यों हो कबीर भाई, और हम सभी को यहाँ पर आपने क्यों बुलाया? मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों? 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 अरे क्या हुआ? मेरे जीवन के कुछ उसूल हैं और मैं उन्हीं उसूलों पे काम करना चाहता हूँ। पर हुआ क्या? यहाँ हर एक डिपार्टमेंट में करप्ट लोग बैठे हैं। एक आम आदमी कहाँ कहाँ से इस उम्मीद पर आता है कि उसका काम होगा, लेकिन ये लोग बिना पैसा खाए घूस खाए एक भी काम नहीं कर रहे हैं। अब तो हद हो गया, उन्होंने मुझे भी खरीदने की कोशिश की। अच्छा अच्छा, देखिए ऐसे आदमी हर जगह होते हैं, और सच तो ये है कि सिस्टम में रहकर ही सिस्टम को सुधारा जा सकता है। कबीर जी, वकील साहब, आप ही कहते थे ना कि जब सबूतों और गवाहों के अभाव में किसी अपराधी को छूटते हुए आप देखते हैं तो आपका खून खौल उठता है। हाँ बात तो सही है। मैं आपसे पूछता हूँ, सिस्टम में रह के आपने क्या किया? बात तो सही। जब बात परिवार और दोस्तों की जान पे आती है ना,
तो सिस्टम धरा का धरा रह जाता है। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, हम सिस्टम से अलग जरूर हो रहे हैं, लेकिन हमारा मिशन अभी भी वही है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जैसा आप उचित समझें, हम सब सहमत हैं इसमें। जी। तुम कबीर हो ना? प्रणाम महात्मा। खुश रहो, आओ मेरे पास बैठो। जी। महात्मा, आपको मेरा नाम कैसे पता है? दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में तुम्हारा वक्तव्य सुना था। तुम सत्य बोलते हो, सत्य मार्ग पर चल रहे हो। जी। कार्य तुम्हारा अच्छा है, लेकिन समाज का जो वर्तमान दशा और दिशा है, मैं उसमें उलझा हुआ हूँ, क्या करूँ? समाज उलझा हुआ है। जी। तुम्हारा कार्य अच्छा है। जी। हर युग के कबीर के सामने चुनौतियां आती रहती हैं। माँ गंगा तुम्हारे किसी कार्य में विघ्न नहीं आने देगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जी, जी महाराज। आयुष्मान भव। प्रणाम। विजयी भव।